नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भाजपा नेत्री महालक्ष्मी पलिवार ने भगत सिंह चौक के समीप भाजपा के चुनावी कार्यालय का की उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी मधुपुर नगर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के नेत्री महालक्ष्मी पलिवार ने की। कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महालक्ष्मी पलिवार ने कहा कि मधुपुर नगर के कार्यकर्ताओं का विशेष दायित्व है कि वे शहर के 44 बूथों से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लीड दिलावें। इस अवसर पर महालक्ष्मी पलिवार के समक्ष सोनी देवी, सोनामुनी देवी, मनोती मुर्मू झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुई। महालक्ष्मी परिवार ने अंग वस्त्र और माला पहनाकर इन महिलाओं को भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अवनिभूषण, महामंत्री गोपी वर्मन, अमर शर्मा, भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह, दीपक गुप्ता, पिंटू मिश्रा, विनोद कुमार, टीमू शर्मा, प्रमोद कुमार, अमित चक्रवर्ती, रामा केवट, आशीष चौरसिया, विवेक पांडे, पप्पू पांडे सहित दर्जनों भाजपाई उपस्थित थे। इस अवसर पर हरिभाई पटेल, राजेंद्र गुप्ता, अशोक जी, विक्की भारद्वाज, मोहम्मद साहिद भी उपस्थित थे। नगर का चुनावी कार्यालय का शुभारंभ समारोह है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भाई बहन, सभी लोग, सभी मार्गदर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और पूरी तरह 16 तारीख जो मतदान यहाँ होने जा रही है, सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए सभी एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं और आशा निपूर्ण विश्वास है कि फिर से मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और कमल खिलेगा और फिर से श्री राज परिवार जी यहां से रांची पहुंचेंगे और मधुपुर की आन बान शान को झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में लहराएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार भी देखा कि मधुपुर के विधायक ने पूरे भारत में अपने उनको जो विभाग दायित्व दिया गया उसको लगातार उन्होंने 3 वर्षों तक एक नंबर पर रखा। ये मधुपुर वासियों के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गौरव और सम्मानजनीय बात है और सभी कार्यकर्ता और जो मतदाता मालिक आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उन सबों के मेहनत से फिर हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।